माय YouTube ब्लॉग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा खूब सारा प्यार। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि मेरे जेठ और जेठानी जा रहे थे, तो मैंने सोचा उनके साथ मैं भी चली जाऊँ। तो मैंने अपने मिस्टर जी से पूछा, तो उन्होंने पहले मना कर दिया था। उसके बाद 3 बजे रात में मेरे से कहते हैं कि चलोगी, क्योंकि वो भी जा रहे हैं, मतलब जो हमारे जेठ का जेठानी का भी नई नई शादी हुई थी, तो उनको सब सामान मिला था उनकी शादी में, तो वो अभी तक ही उनके वहाँ गया नहीं था जहाँ वो भाई जी रहते हैं हमारे पुरवा। तो हम इस टाइम मतलब पिकअप आ रहा है, पिकअप लेके जाएगा, तो मिस्टर जी पिकअप के साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम तो अकेले रह जाओगी, तो इससे बढ़िया तुम भी चलो और तुमको भाई जी लखनऊ में छोड़ देंगे, तुम मैके रुक जाना और देखते हैं अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं आ जाऊँगी, वरना यहीं पर आ जाऊँगा, वापस नहीं रुकूँगा वहाँ के। क्योंकि अभी मेरे मैके में मतलब 2-3 दिन बाद रिलेशन में एक मुंडन की पार्टी है, तो उन्होंने भी इन्वाइट किया, मेरी मौसी मौसा ने, मेरे भैया के लड़के का मुंडन है की पार्टी है, तो वहाँ भी जाना है। तो मतलब लखनऊ तो जाना ही जाना था, इसलिए 2 दिन पहले ही चली जा रही हूँ कि मतलब मैके भी रुक जाऊँगी, और जेठ जेठानी जा रहे हैं इस वजह से जा रही हूँ, वरना वो ना जाते तो मैं ना जाती। तो अब जल्दी से चलते चलते हैं, मतलब वीडियो को लेट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे नहीं अगर ज़्यादा बोरिंग बनने लगेगा वीडियो। तो बस चलते हैं जल्दी से आपको लेके, अब क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका है, सुबह मॉर्निंग में उठ ही चुकी थी, तैयार होकर रेडी हो चुकी, मेरा देखिए बैग भी रेडी हो चुका है, और सुबह मॉर्निंग में 3 बजे मैंने बैग अपना रेडी किया है आज। तो जल्दी से चलते हैं, वीडियो को देर ना करते हुए निकलते हैं घर से। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टेशन पर हम पहुंच गए थे और मिस्टर जी छोड़ चुके थे मेरे पे, और ये देखिए फ्रेंड्स ट्रेन आ गई और जेठ मेरे आगे खड़े ही हुए थे, और ये देखिए फ्रेंड्स टीटी आया था। हम पहुंच गए अपने स्टेशन, सिटी स्टेशन, भैया ने हमें छोड़ दिया था बाहर आके, और अब हम अपने भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अमन अभी आ ही रहो, और हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब वेट कर रहे हैं बस जल्दी से आ जाए, उसके बाद चलते हैं आपको लेके घर पे। मैंने चेंज भी कर लिया, देखिए भाई लेने आया था आपने तो दिखाई, उसके बाद मैं आई, नाश्ता वास्ता किया, मैंने चेंज कर लिया, अब देखते हैं पूरा दिन मैं आपको क्या क्या दिखा पाती हूँ। और मिस्टर जी देखते हैं, मिस्टर जी वैसे पूरा पहुँचने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं मिस्टर जी कब आते हैं, जब आएंगे तो आपसे मिलवाऊंगी। हम लोग जा रहे हैं वी मार्ट शॉपिंग करने, भाई को थोड़ा कपड़ा लेना था तो उसने कहा चलो साथ में, तो जा रहे हैं, अब दिखाते हैं आपको भी। ये देखिए वी मार्ट, ये देखिए फ्रेंड्स भाई, एक ये जींस लेके आए, एक ये शर्ट लेके आए, एक ये कैपदार वाले टी शर्ट लेके आए, ताज कंपनी से लेके आए हैं ताज से, और एक ये टी शर्ट लेके आए, और बस देखिए अभी अभी नहा रहा है और अभी ये पहनेगा, बस अभी लाया और तुरंत ही पहनने लगा, और देखो प्रथम बैठा है, बस इनको तो नेकर बनिया नहीं मिलती बैठने के लिए। फ्रेंड्स लेकिन विशाल में कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके बाद हम लोग अमीनाबाद की रोड पे गए, ताज में देखा तो ताज में पसंद आ गए भाई को, तो वहाँ से हम लोग लेके आए। कैसे लगे कपड़े बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सोड वाली ये रोड है, 50% ऑफ पे सेल लगी हुई है, देखिए कंगन है, ज्वेलरीज है, ये देखिए आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी अच्छी ब्राइडल्स में और ज्वेलरीज हैं, आप दे सकते हैं 50% ऑफ पे, आप आइए। ये लाटू सोड मेन चौराहे पे लगती है, यहीं पे बिल्कुल जस्ट इसी के सामने ही देखे लगी हुई है ये शॉप, सेल चल रही है इस टाइम, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं आप, देखिए रेड मामी। और पहले तो हम भाई को शॉपिंग करवा के फ्रेंड्स उसके बाद चले गए थे घर, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग आए हैं मार्केट मामी के साथ, तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सेल लगी हुई है, ये देखिए जस्ट बिल्कुल ये लाटो सोड वाली रोड के बिल्कुल ये सामने मेन चौराहा है लाटो सोड वाला, ये देखिए, और बिल्कुल ये सामने सेल लगी हुई है फ्रेंड्स अमीनाबाद में। ये देखिए ये इयरिंग हम लेके आए हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि इसका प्राइस क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स बड़े बड़े हैं।